बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महेश मलिक और आप देख रहे हैं 29 न्यूज। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। क्वेटा में वाकई सरीना होटल की पार्किंग में जोरदार धमाका, जिसके नतीजे में 4 अफराद जहां जबकि 2 सरकारी अफसरों समेत 12 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक क्वेटा की जरकोन रोड सरीना चौक पर नजी होटल की पार्किंग में होने वाला धमाका शदीद नवीयत का था, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनी गई। जबकि धमाके के बाद पार्किंग में खड़ी बहुत सारी गाड़ियों में आग लग गई। धमाके के बाद लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल में इमरजेंसी दाखिल कर दी गई। जराये के मुताबिक जख्मियों में से कुछ की हालत तशवीशनाक है, जबकि हालातों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। ने कहा है कि बाद अपोजिशन जमातों ने गैर जमुई रवैये कर मुजाहरा किया, अवाम का तकद्दस सब पर लाजिम है, सबक वजीर आजम को ऐसे नजेबा निमाक जेब नहीं देते। तफसीलात के मुताबिक वजीर आला पंजाब से अराकीन कौमी व सूबाई असम्बली ने मुलाकातें की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमवार, तरक्याती स्कीमों पर पेश रफ्त और हल्कों के मसाइल के हवाले से बातचीत हुई। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद मकान अब्बासी की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली के बारे में भी नज़ेबा रिमार्क्स की मुज़म्मत की गई। नई दिल्ली इंडिया से ताल्लुक रखने वाले मालूम आलमदीन मौलाना मुहिदुद्दीन खान अलालत के 22 इंतकाल कर गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक मौलाना मुहिदुद्दीन खान की उम्र 96 बरस थी। वो नई दिल्ली के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। मौलाना मुहिदुद्दीन खान ने अपनी जिंदगी में दर्जनों किताबें लिखी। उन्होंने कुरान पाक की तफसीर भी ली। वो तवील अरसे तक जमीयतुल उलमा हिंद से भी वाबस्ता रहे। इनकी इल्मी खदमात के 22 भारतीय हुकूमत ने इन्हें दूसरे आला तरीन सिविल अवार्ड से भी नवाजा। कोरोना से मजीद 98 अफराद जहां भाग हलाकतों की मजमू तादाद 16,698 होगी। खुदी कोरोना वायरस से हलाकतों का सिलसिला थम न सका। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 98 पाकिस्तानी जान की बाजी हार गए, जिसके बाद मुल्क में मोहलत वायरस से जहां भाग होने वाले अफराद की मजमू तादाद 16,698 होगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जारी करदा ताज़ा आदाद और शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 97,591 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 5,857 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शराब 10.16% हुई। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की मजमू तादाद 7,70,238 होगी। पंजाब में 2,79,437, सिंध में 2,78,081, बलोचिस्तान में 21,242, इस्लामाबाद में 71,533, आजाद कश्मीर में 16,026 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए। गिलगित बल्तिस्तान में मुतासरीन की तादाद 5,215 होगी। अब तक के लिए बस इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहिएगा 829 न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।